हम लोग भी ले रहे हैं। ये पापा गए हैं कुराने पाक रखने के लिए। अभी बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है, ये देखें। कुरान शरीफ जो मक्का शरीफ में रखवाने के लिए हम लोग भी ले रहे हैं। किसी ने बोला है हमें, सो हम ये रखवा रहे हैं। जल्दी बारिश शुरू हो गई है। सारा डाल दें, फेंक दे सारा। YouTube फैमिली कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इट्स मी हेयर किरण अब्रैज फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो अभी हम लोग उमरा अदा करने के लिए जा रहे हैं अंदर। जुम्मा भी होने वाला है, 11:30 हो चुके हैं। 12 बजे जुम्मे की अजान होती है, 12:15। तो अभी हम लोग अंदर एंटर हो चुके हुए हैं, बस मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। तो चलिए जी चलते हैं। वुज़ू वगैरह मैं कर रही हूँ, दफ़ा वॉशरूम पर हो आई हूँ, क्योंकि जाते ही पहले हमने तवाफ स्टार्ट करना। पीछे अब्बू भी हैं मेरे साथ साथ। चलिए अभी अंदर चलते हैं और आपके साथ सारा शेयर करूँगी मैं। अभी जो हम लोग जा रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ जिन जिन लोगों को नहीं पता। तो हम लोग ये गेट नंबर, अभी कौन सा गेट नंबर है उम्रे वाले लोगों के लिए? हाँ, ये 3 नंबर गेट से हम एंटर हो रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ इधर से, और अभी से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ से एंटर हो रहे हैं। ये देखिए, ये है गेट नंबर उम्रा लोगों के लिए। सिर्फ एक ही जगह है जहाँ से आप एंटर हो सकते हैं, ये है 3 नंबर इधर से, ठीक है। उस साइड पे वो ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के साथ ही नीचे से आप एंटर हो जाएंगे। चलिए जी अंदर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है बाबे रकम, गेट नंबर जो है 3 है। इस तरफ जो है ना, इन्होंने ये रखी होती है मैयत। अल्लाह पाक हम लोग को भी ऐसा मौका दे कि हम लोग की भी इधर ही हो। ये देखें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पापा गए हैं कुरान पाक रखने के लिए, वो देखें। 2-3 एक जगह पर ही रख दें। चले आ जाए, चले जाए।
चुके हैं इधर तवाफ़ अदा करने के लिए, तवाफ़ करने के लिए। तो अभी पीछे ही हैं, अभी वैद इधर बैठे हुए हैं, वो इसको खिला रहे हैं, फिर हमने कहा चलते हैं आगे। सुभान अल्लाह, काबे पर पहली नज़र। आप सब अपने लिए दुआ मांग लें। चलिए जी, अभी मैं तवाफ़े काबा अदा करती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। कह रहे हैं कि मेरी नमाज रह गई थी थोड़ी सी, सुनते हैं तो वो ये जो है ये पढ़ लें। तो ये देखें, मौसम चेक करें, बादल चेक करें, माशाल्लाह। अभी 2:15 का टाइम है और ये बादल चेक करें, ब्लैक बादल आना शुरू हो चुके हैं, सुभान अल्लाह। ये देखें, सुभान अल्लाह। अभी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है, ये देखें। तो मम्मा वगैरह की वजह से जो है इधर आना पड़ा, पीछे माइजा भी साथ थी इसलिए पीछे आ गई। मैंने लास्ट टाइम मैंने जो किया था तो आपको इसी बारिश में किया था, माशाल्लाह। रबी बस इधर बच्चों की वजह से आना पड़ा इधर पीछे, ये देखें। वो माइजा पहले ही ठीक नहीं थी इसीलिए, और मम्मा भी नहीं चल के कर सकती थी ऐसे बारिश के पानी में। ये देखिए, यहाँ पर हम सारे इतना बैठे हो चुके थे, वैद रोहान को पढ़ा रहे थे अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये माशाल्लाह बहुत शौक से पढ़ता है। और ये मुझे देख रहा था कि मम्मा के जो है हिजाब वो वेट हो गया हुआ है, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह ये वक्त ऐसा था कि हर कोई यहाँ पर ना अपने प्यारों को जो पाकिस्तान में किसी भी कंट्री में है उन सबको लाइव दिखा रहे थे ये बारिश। और ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए, जितनी दुनिया मुझे देख रही है उनके लिए क्यों ना मैं ये रिकॉर्ड करूं, उनको क्यों ना ये खूबसूरत मंज़र दिखाऊं, सुहाना मंज़र। बारिश रुक गई है तो बच्चे तंग करना शुरू हो गया। माइजा की तबीयत भी ठीक नहीं है तो माइजा को मैंने अपने पास अभी बैठा लिया। मैंने कहा मम्मा और उबैद पहले कर रहे हैं जाके तो आप, फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी, फिर बच्चे उनके पास रहेंगे और मैं अकेली करके आऊंगी फिर तो आप इंशाल्लाह। तो अभी बच्चे दोनों इधर मेरे पास हैं, ये देखें एक इधर है और एक इधर है। चलिए जी, बारिश भी स्लो हो चुकी है, आहिस्ता हो चुकी है बस। माशाल्लाह सफ़े बनवा रहे हैं, ये देखिए इस साइड पे सफ़े बनना शुरू हो गई नहीं है, ये करवा रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज मुझे असर की नमाज़ खाना काबा के बिल्कुल सामने पढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं
तो आप एक अब अपना मुकम्मल करके आ चुकी हूँ और अब बस यहाँ पे नफल भी अदा कर लिया मैंने, तो मतलब ऊपर चलते हैं पापा का और नाना अबू का जो है वो उमरा हो चुका है पूरा। हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं बारिश की वजह से भी, क्योंकि मायदा की वजह से रुकना पड़ा था, वरना हमने करते रहना था कंटिन्यूसली इसके लिए। तो बस अभी मैं अपने तवाफ़े काबा भी मुकम्मल कर रही हूँ, असर भी हम पढ़ चुके हुए हैं और अब चलते हैं ऊपर सही की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह कितना रश हो चुका है, ये देखिए मरबा शुरू करने लगे हैं, बाकी पहाड़ी है इस साइड में। चलिए अभी सफ़ा मरवा के साथ चक्कर लगाते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, पहला चक्कर शुरू करने लगे हैं। अच्छा मैं यहाँ पर वैद से और मामा से सेपरेट हो गई थी, उनके व्हीलचेयर वाली जगह पर चला रहे थे, तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पर इन सब लोगों के साथ आके करूँ, तो मैंने वैद से कहा था कि मैं अपना सेपरेट हो जाती हूँ, आप अपना मामा को लेकर करें यहाँ पर सही मुकम्मल करें, मैं अपनी करके फिर एक जगह पर हम मिल लेंगे जहाँ पर पापा और अबू बैठे हुए थे। तो यहाँ पर इतना ये खूबसूरत मंजर लग रहा था, इन सब के दरमियान में मैं भी कर रही थी और ये देखे सारे वाइट एहराम में, औरतें ब्लैक अबाए में, ये इतना खूबसूरत लगता है इकट्ठे होकर इस तरह तो उमरा करना। और ये देखिए यहाँ पर ये ग्रीन लाइट्स हैं जहाँ पर मर्द जो हैं वो थोड़ा सा तेज़ भागते हैं और औरतें थोड़ा तेज़ चलना शुरू हो जाती हैं, औरतों ने भागना नहीं होता बस थोड़ा सा अपनी स्पीड थोड़ी तेज़ कर सकती हैं वो, लेकिन मर्दों के लिए होता है कि उन्होंने भागना होता है यहाँ पर। तो बस यहाँ पे मैं अपना मुकम्मल कर रही थी और छोटे छोटे क्लिप्स आप सबके लिए बना रही थी ताकि आप लोग ये देखें खूबसूरत सा मंजर, कितना ज़्यादा रश था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें यहाँ पे नमाज के बाद हर जो भी नमाज अदा की जाती है चाहे वो फजर है जोहर असर मगरिब ईशा सबके साथ नमाज जनाजा यहाँ पढ़ाया जाता है और ये सारे लोग नमाज जनाजा अदा कर रहे थे। मैं भी हर नमाज के साथ नमाज जनाजा पढ़ती हूँ जब यहाँ पर आती हूँ, लेकिन इस दफ़ा भी मैंने सही के दो चक्कर रह गए थे, मैंने कहा वो फटाफट मुकम्मल कर लेती हूँ क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा बैक पेन कर रही थी, इसीलिए फिर मैं उठ गई थी कि चलो अभी मैं ये स्किप कर देती हूँ और जाके अपने सही के चक्कर मुकम्मल करती हूँ। फिर मेरे माइंड में है कि मैं आप लोगों के लिए ये वाला क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ आप सबको दिखाने के लिए कि ये एक डिफरेंट चीज़ है कि यहाँ पर नमाज जनाजा हर नमाज के साथ पढ़ा जाता है। सुबहान अल्लाह। चक्कर मैंने नमाज मगरिब से पहले अदा कर लिए थे और अब ये छठा चक्कर है मेरा सही का। टोटल 7 होते हैं चक्कर सफ़ा मरवा के, सफ़ा से शुरू होता है पहला चक्कर और मरवा पे एंड होता है 7 चक्कर। तो अभी ये मेरा छठा चक्कर है जो कि मैं सफ़ा की तरफ जाऊंगी, सफ़ा से भी वापस मरवा की तरफ मेरा 7वां चक्कर होगा। देखिए इधर सब बैठे हुए, इन्होंने कर लिया पूरा, मेरा भी ख़त्म हो गया, मैंने भी अपना मुकम्मल कर लिया हो गया। ये देखिए इधर मामा बैठी हुई है अबू, और ये मायदा की तबीयत नहीं ठीक है, बस मेरा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भी सही मुकम्मल हो चुकी है, हमारा उम्रा पूरा हो चुका है, बस अब रह गया बाल कटवाने वाले, वो बाल जाके कटवाएंगे ताकि एहराम की नियत से हम लोग वापस आ सकें, मतलब नॉर्मल फी में आ सकें। तो अभी एहराम में ही है क्योंकि अभी कटिंग होनी है, कटिंग करने के बाद जो है फिर हम लोग एहराम की नियत से बाहर आएँगे। सो बस अभी चलते हैं बाहर और बाहर जाके जो है
बैथ वगैरह भी कटवाएंगे अपने बाल वगैरह, और मैं भी कटवाऊँगी, मतलब खुद करूँगी, मेरी मम्मा काटेंगी और मैं भी काटूँगी। चलिए जब भी चलते हैं बाहर, और बाहर जाके फिर आपका शेयर करूँगा। चलिए देखिए जी, हम लोग पी रहे हैं यहाँ पर मक्का का कहवा, और अब वैद लेने गए। खुश, ये यहाँ की मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, और अभी खजूरें भी खा ली हैं, उसकी नहीं मैंने बनाई वीडियो, ये यहाँ पे अक्सर मिलते हैं। ये देखिए वैद खोप्स भी ले आए हैं। चलिए जी, मैं इंजॉय करती हूँ। आए हुए थे वॉशरूम में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एहराम खुल चुका है, हमने बाल काट लिए हैं माशाल्लाह से, उम्रा हमारा अदा हो चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह। और चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो अब आपसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को इधर ही मैं करती हूँ एंड। नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमान अल्लाह।